हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग आप सबको। मेरी सुबह हो गई है और मैं कंप्लीट रेडी हो चुकी हूँ और आज है मेरा व्रत, क्योंकि मंडे है। सो जल्दी से मंदिर जाने की तैयारी करती हूँ, प्लेट जमाती हूँ एक बार मस्त और फिर मंदिर के लिए जाती हूँ, फिर आके सारे बाकी के काम करूँगी। तो ये मेरी कंप्लीट थाली तैयार हो चुकी है और अब चिकू को भी बुला देती हूँ, हम दोनों चले जाते हैं मंदिर। इसके ऊपर ढकने के लिए रुमाल, केयरफुल इसको पूरा लेके जाना पड़ेगा। अभी बाहर इतनी अच्छी कोयल बोल रही थी, अभी भी बोल रही है, वहाँ पे सामने पेड़ पे जाके बैठ गई है। और दो एक साथ बोल रही थी तो ऐसा लग रहा था जोरदार, अभी धीरे धीरे एक एक बोल रही है। और यहाँ पर हमारे बाहर ये सीताफल आपको कहीं के दिख रहे होंगे, लग चुके हैं। सुनो कैसी लग रही आवाज़। अरे यार, ये स्कूटी क्यों लेके आ रहे हो? ये स्कूटी लेके आओगे तो चढ़ेगी नहीं ना वापिस, एंटोक नहीं है क्या? पूजा हो गई है, मंदिर में सब जगह पे दर्शन भी हो गए, अब जाते हैं घर पे। और शॉप पे भी कस्टमर आ गए, कॉल आने चालू हो गए और आज मैं लेट भी हो गई थोड़ी, 11:30 हो चुकी है। एक बार घर जाते हैं, घर पे पूजा के थाल वगैरह रखते हैं, अब खाने का क्या सीन है वो पूरा सेट करते हैं। टाइम नहीं मिला तो वही कुछ ना कुछ सेट करना पड़ेगा। खाना कहीं से ले आओगे क्या आज? थाल यहाँ पर रख दी है और शॉप से कॉल आ गए हैं, तो एक बार शॉप जाके आ जाती हूँ, फिर घर के काम आके करूँगी। अब मेरा तो व्रत है, खाना मुझे है नहीं, पर जो क्लाइंट्स हैं उनको भी तो अटेंड करना ज़रूरी है। कच कच क्या बज रहा है? चिक चिक, कहीं छोकाई छींक रहा है ऐसा। सैलून पे काम कंप्लीट हो गया, अब 1:30 बज रही हैं, अभी घर पर जाती हूँ और चिकू के लिए और मेरे लिए कुछ पकाती हूँ यानी। घर पे आने के बाद मम्मी ने खाना बना दिया था और ये इधर बनी है दाल, रोटी का डब्बा गया, चावल बने क्योंकि चिकू ने आज चावल और दही खाया है। और ये मैंने मेरे लिए बना दिया है फलहारी आटे का पराठा, जो कि मम्मी की मेरी रेसिपी है। डायरेक्ट इसी के ऊपर थप थप कर दिया था, अच्छे से पक गया, अब इसको खा लेती हूँ, थोड़ी पेट पूजा हो जाएगी तो सही फील करूँगी। सुबह से लो फील कर रही हूँ बहुत। खाना हो चुका है, मैं जा रही हूँ शॉप पे, चिकू तो सोए थे, उनको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि कल मैं सोई थी, मुझे इन्होंने डिस्टर्ब किया तो मुझे बड़ा गुस्सा आया था, चिकू उनका कैसा लगता है देखा है यूँ, तो फिर उनको आज मैंने डिस्टर्ब भी नहीं किया। यश आ गया है मेरे को लेने के लिए, थोड़ा सा मम्मी का काम है वो करना है, तो यश को मैंने यहीं पर बुला दिया मुझे लेने आ जा, क्योंकि तेरे जीजू सोए हुए हैं तो अपना काम भी हो जाएगा। मम्मी का काम कंप्लीट हो गया है, अब यश जा रहा है, क्या काम करा दिया आजकल तो, साड़ी ले ली, मिर्ची निर्ची, आँखें लाल चट हो गई बिल्कुल, आँखों में सारी मिर्च मसाले सब भर गए, चक्की पे गए थे लेने के लिए। और अब जाके देखते हैं रोशनी। हाँ, इमलिया खा रहे, इमलिया मेरे फ़ोन में बैटरी लो हो गई है तो चार्जर आ चुका है, थैंक यू। जा ही रहे हो सीधे? हाय हेलो कुछ नहीं, हाय देखो किसे बोला हाय बोलियो भाई, मैं अपने काम। सो फ्रेंड्स, अभी मेरा फ़ोन हो रहा है चार्ज क्योंकि डिस्चार्ज होने आ गया था और मैंने आज चार्ज किया नहीं था प्रॉपरली, वो मेरी गलती है। और आज आया था भावना का छोटा डॉगी हमारी शॉप पे, जिससे नया बहुत ज़्यादा कैसे कर रही थी नया बता, अभी नया कल है मेरा कैरेटिन डे, तो सुबह आके मैं कैरेटिन कराने वाली हूँ। मेरे तो बनवाई ही नहीं माँ। तो तेरे स्मूथनिंग करेंगे ना, तेरे कैरेटिन नहीं करेंगे। क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रही हो यार तू? तो भी हंसी आ रही है, इतना जोर से लगी। देख तेरे जितना जोर से मैंने चिल्लाई थी अभी नहीं ना, होगा चिल्ला दिया जबरदस्त। ऐसे क्यों बोल रहे हो?
गुस्सा आता ही है कभी कभी, नहीं आता कभी तो गुस्सा आ जाता है अभी थोड़ा पूरा मेंटेनेंस करना है वो कर रही हूँ मैं शॉप पे, और यहाँ पर बैठी बैठी लिख रही हूँ समझ दीगा। मैं थोड़ा जोर से क्या बोली, रोशनी डर गई। ये भी मार कर ये ले, ये माथे पे मारू तेरा पेन पेन लेके मैं पागल। दो बार लाने के लिए बोला, दो बार मार कर लेके जा पहले पूरा पास में आने देना, पास में आने देना। तो अब चलते हैं घर पे, आज व्रत है। सुबह पराठा एक बना के खा लिया था राजगिरे के आटे का। अब घर जाके पूजा करने जाना है मंदिर एक बार, तो मंदिर जाके आ जाऊँगी। स्लीपर का एक बार ढूंढ लेती हूँ। मंदिर जाके आके फिर मेरे व्रत खोलने की तैयारी करनी है, तो खाना भी बनाना पड़ेगा। तो 6 बज रही है, फटाफट से जाती हूँ घर पे, और घर पे जाके भी बहुत सारा काम है मुझे एक बार, तो फिर मंदिर जाना है। रोशनी मैडम चलो, रोशनी आज मुझे ड्रॉप करने वाली है क्योंकि मुझे घर जल्दी जाना है। ठीक हो के पर फालतू परेशान करूँ, क्योंकि अब सीज़न का टाइम है, वहाँ पे भी फुल भीड़ रहती है, इसलिए आपको डिस्टर्ब नहीं करूँ। यूँ आ गया। अच्छा कल है कैरेटिन डे, तो कैरेटिन का सामान आ चुका है। तो मैं रोशनी के साथ जाऊँ, आपके साथ जाऊँ? चल मेरे साथ भी। ओके आप जाओ। फाइनली मेरी शॉप पर कैरेटीन आ गया है। बहुत सारे कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट के ऊपर मैंने कैरेटीन मेरी शॉप पर अवेलेबल किया है। शॉप पे, सैलून पे, दोनों जगह पर। शॉप पर आपको होम केयर कंप्लीट रेंज मिल जाएगा, और सैलून में आपको कैरेटीन का ट्रीटमेंट और साथ ही साथ इसका स्पेशल स्पा ट्रीटमेंट भी मिल जाएगा। इसका कल ही ट्रेनिंग है 18 को, सो उसके लिए ही प्रिपरेशन हो गई है। पूरा कंप्लीट इसका रेंज है वो शॉप पर आ चुका है। जो थोड़ा बहुत सामान बाकी है वो कल ट्रेनर्स लेके आएंगे, और ट्रेनर्स कंप्लीट ट्रेनिंग के साथ थोड़ा उनके ऊपर भी स्प्रे यानी इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। आते में तुरंत ये लगा दिया है। मैं बहुत टाइम से कैरेटीन इसलिए नहीं ला रही थी मेरे शॉप पर, क्योंकि मुझे बहुत एक अच्छी ब्रांड चाहिए थी। हालांकि कैरेटीन के लिए ब्रांड्स बहुत सारी है, पर मुझे एक ट्रस्टेबल ब्रांड चाहिए थी। हमारे सारे जो भी प्रोडक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे और प्रीमियम रेंज के हैं, उसे मुझे इसका भी चाहिए था। तो ये आइकॉनिक की ही ब्रांड है, इसलिए उसके ऊपर मुझे पूरा कंप्लीट ट्रस्ट है, क्योंकि मैं मेरे सैलून में सारे ही हेयर प्रोडक्ट जितने भी रहते हैं वो आइकॉनिक के ही यूज़ करती हूँ। टूल्स तो, और टूल्स के तो टूल्स इतने अच्छे हैं तो प्रोडक्ट भी ऑफकोर्स अच्छा ही होगा। सो मैं कैरेटीन इसलिए इतने टाइम से नहीं ला रही थी, आपको पता चल ही गया होगा। अब चलो घर पे। घर पे आ चुकी हूँ और कंप्लीट नहा कर तैयार, और यहाँ पर मैंने मेरी थाल भी रेडी कर दी है। तो चिकू को फ़ोन कर देती हूँ, चिकू आ जाएंगे जल्दी जल्दी, पूछ के आ जाती हूँ। अंधेरा होने आ गया इसलिए। दिवाली के पटाखों की आवाज़ चालू होगी, सुनाई देना। चिकू को फ़ोन किया, चिकू कह रहे 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है 2 मिनट वेट करते हैं। 6:30 बज चुकी हैं, कितना भी जल्दी आओ यार लेट हो ही जाता है। यस बेबी, वहाँ तक नहीं आ सकते थे? आप आ गए यहाँ तक, बाकी मैं वहाँ आ जा रही हूँ। शांति से पूजा हुई, मजा आया पूजा करने में। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। और पहले से मुझे बोल के लेके गए हैं 5 मिनट लगेंगे तो ही मैं आऊँगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। ऐसा है बेबी,
ऐसा तो होगा मेरे साथ। घर पे आ गई हूँ मैं। घर आने के बाद खाना अभी प्रिपेयर कर लिया है, तो यहाँ पर प्रसाद का मेरा थोड़ा सा हलवा है, ये रोटी मैंने रख दी है। अब सब्जी भर देती हूँ, फूलगोभी की सब्जी बनाई है आज, बड़ी प्लेट में ही भरती क्योंकि गर्म है सब्जी। नमकीन का डिब्बा भी ले लेती हूँ। अब मेरा व्रत खोल देती हूँ मैं। यहाँ पर मैं व्रत खोल रही हूँ, मेरे पति मेरे पास आ चुके हैं, थोड़ा समय का रही हूँ तो खाना ही पड़ेगा ना। टेस्ट आता है मेरे हाथ में। अभी मैंने मेरा व्रत खोला है और मुझे बहुत बड़ी सुस्ती चढ़ रही है, तो मैं सो गई हूँ आके। और चिकू आज जा रहे हैं बाहर पहाड़ी करने के लिए, तो पहाड़ी करोगे आप क्या? 28 डिग्री। ओके, अभी फ्रेंड्स बज रही हैं 11 और अभी तक चिकू इनकी पार्टी करके आए नहीं है, तो मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी। थोड़ी देर तो मैं टाइम पास करने के लिए पास में गई थी मायरा के घर पे, हिम्मी भी नहीं है, नहीं तो टाइम पास मेरा हो जाता। और उसके साथ खेलते खेलते कैसे टाइम बीत जाता है वही चीज़ पता नहीं चलती है। पर अब चिकू नहीं है तो क्या करूँ। अभी मैं टीवी चालू करके बैठी हूँ बड़े दिनों के बाद, तो देख लेती हूँ कोई सीरियल अच्छा खासा, क्योंकि थोड़ी देर में तो यही देख पाऊँगी। मूवी तो मैं पूरी कभी देख ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैं मूवी देखते देखते सो जाती हूँ, क्योंकि आप सब जन जानते हो पूरा दिन कितना बिजी रहती हूँ। चलो कुछ देखते हूँ। आके मिट्टू के साथ लाड लड़ा में बैठ गए। तो मजा आता है, इसको भी मजा आता है, इसको अपना कंधे पे आना है, ये देख चैन खानी है, ये टी-शर्ट खाना कर देगा। नहीं मिट्टू शोई शोई करनी। वीडियो एडिट हो गई है और मैं व्लॉग को एंड करना भूल गई थी, तो मैं अब कर रही हूँ व्लॉग का एंड। आपको आई होप ये वीडियो पूरी अच्छी लग गई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। बाय।